तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग। जी हाँ, कस्टम फॉर्मेटिंग मतलब कि हम टाइप कुछ और करें और शो कुछ और करें। नंबर को हम टाइप कुछ और करना चाहते हैं और शो कुछ और करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1500, बट मैं 1500 नहीं, मैं MRP 1500 शो करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फिर हम इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग क्या हम डायरेक्ट लिख देंगे MRP 1500 क्या सर? पर ऐसे करने से क्या होगा कि इस पर किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ कोई अल्फाबेट लगता है तो टेक्स्ट हो जाता है। तो ये टेक्स्ट हो जाने के कारण इसमें कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं रहेगा। सो हम चाहते हैं कि हम टाइप तो 1500 ही करें और एक्चुअली में भी वो 1500 ही रहे, बट शो हो MRP 1500। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं नंबर फॉर्मेट सेल के अंदर, और इसमें हम डाल देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में MRP, और उसके बाद एक जीरो लगा देता हूँ या एक हैश लगा देता हूँ, तो अब मेरा 1500 MRP शो हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या है वो 1500 ही है। जब मैं उसको F2 करके या डबल क्लिक करता हूँ तो 1500 ही शो होता है, और इसके ऊपर जब कैलकुलेशन करूँगा तो कैलकुलेट भी होगा। अब इसमें जीरो और वन का, जीरो और हैश का क्या फंडा है? हमने इससे पहले ही क्लासेस में जीरो और हैश के बारे में बताया है। देखिए क्या है कि 1500, अगर आपको कोई भी 1500 या कुछ भी लिखते हो तो उसके आगे और पीछे कुछ लगाना चाहते हो, मतलब आपके जो नंबर्स हैं उस नंबर्स के प्रीफिक्स सफिक्स, मतलब आगे और पीछे कोई वर्ड या कोई लेटर आप ऐड करना चाहते हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना होगा। ठीक है सर? जैसे MRP हमने डाला क्योंकि वो लेटर है, करेक्टर है, सो इसको हमें MRP के अंदर डालना पड़ेगा, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना पड़ेगा। अब इसके आगे अगर मैंने जीरो या हैश ना लगाया और सीधे ओके कर दिया तो आपका जस्ट MRP शो होगा, पूरा का पूरा डेटा शो नहीं होगा। तो आपके जो नंबर्स जो आपने एंटर किया हुआ है उसको शो करना चाहते हैं तो जीरो या हैश देना पड़ेगा। अब जीरो देने में क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 0 दे दिया, 3 0 दे दिया मतलब कि 3 डिजिट को मैच की। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो 2 0 आपस में लगा देगा, ठीक है, 2 0 आपस में लगा देगा। और हैश लिखता हूँ तो हैश से आप 2 या 2 4 या 10 जो भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना लेटर आप टाइप करोगे उतना लेटर ही शो होगा। ठीक है? तो गुरदीप जी एंड राधे श्याम जी, आपके फंडा समझ में आया कि जीरो और हैश क्यों देते हैं? हाँ जी सर। और किसी भी नंबर के आगे पीछे या बीच में प्रीफिक्स सफिक्स लगा सकते हैं? यस सर, बिल्कुल, बेसिकली और सर जीरो डिजिट मेंटेन करने के लिए डालते हैं। जी हाँ जी हाँ। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे 15 रुपये 20 पैसे डाला, 25 पैसे डाल देता हूँ, तो आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। कस्टम में आया, मैंने यहाँ पे 1 0 और एक हैश लिया और यहाँ पे हमने रुपीज .00 पैसे, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं कि हमने 2 हैश क्यों किया, मैं यहां 2 0 भी कर सकता है। तो यहां जैसे क्या हुआ कि आप 5 लिखेंगे 0 5 आएगा, अच्छा दिखेगा, लेकिन जैसे आप डेश में डालेंगे 6 0 में डाल दिया तो यहां पे देखिए 0 0 रुपीज आ रहा है, क्योंकि तो गलत था। मैं यहाँ पे अगर 2 हैश डालूँगा तो सिर्फ रुपीज़ दिखेगा, वो भी गलत दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं 1 0 डाल दूँगा तो ठीक दिखेगा, 0 रुपीज़ 60 पैसा, बट मैं जब सिंगल डिजिट में डालूँगा तो डबल डिजिट नहीं करेगा, और मुझे डबल डिजिट भी चाहिए। सो यहाँ पे 1 0 और 1 हैश हमने डाला एंड ओके किया, तो आप देखें 0 रुपीज़ 60 पैसा दिख रहा है।
या फिर अलग तरीके से मैं आप समझाऊँ आपको, जैसे कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, उसमें क्या होता है कि हमें कुछ इस तरह से लिखना होता है कि फर्स्ट के 4 डिजिट और फिर इसमें एक्स 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 फिर एक्स 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 और फिर लास्ट के 4 डिजिट। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें मिलते तो 8 ही डिजिट है, लेकिन हमें अपने स्टेटमेंट में अपने अभी जहां भी मुझे शो करना होता है इस फॉर्मेट में शो करना होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं 8 डिजिट ही लिखूं और ये जो 8 डिजिट है वो ऑटोमेटिकली इस तरह के एक्स में के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे हमने कर दिया हैश 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 या जीरो भी कर सकते हैं, 0000 और इन्वर्टेड कॉमा में एक्स 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 फिर स्पेस अगेन एक्स 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 4x उसके बाद 4 0। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दूंगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। क्या गुरदीप जी समझ में आया आपको? जी सर। तो इस तरह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1000 सेपरेटर्स की। जैसे मैंने यहाँ पे 25,000 दे दिया, तो जनरली जो आप यहाँ से कॉमा लगा के 1000 सेपरेटर आप लगा देते हैं, लेकिन मैं 1000 सेपरेटर नहीं, मैं इसको 1000 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि 25,000 से 25 ही दिखे। तो यहाँ पे एक हैश और कॉमा दे दीजिए, एक हैश और कॉमा, ये आपको देखिए 25,000 जस्ट 25 दिख रहा है, बट कैलकुलेट और बाकी चीज़ जो होगा वो 25,000 भी होगा। इसे मैंने इसको प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। अब इसके पीछे आगे पीछे कुछ लगाना चाहते हो, जैसे के वगैरह होता है ना, 25 के इस तरह का कुछ होता है, तो इस तरह के इन्वर्टर कुमा में हम लगा सकते हैं। लेकिन वही अमाउंट अगर बिलियन में आ गया, मिलियन में सॉरी, तो उस केस में आपको अलग करना होगा। उस केस में हम इसका यूज करते हैं 0.00 और फिर डबल कॉमा, राइट सर? जी सर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए ये हो गई। अब बात करते हैं हम डेट्स की। जैसे कि मैंने आज का डेट डाला यहाँ पे, तो डेट का ये है, मुझे इस पर अलग फॉर्मेट चाहिए। तो क्या होता है कि इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग, डेट के फॉर्मेट में तो बहुत सारे फॉर्मेट है ये ले सकते हैं, बट कस्टम फॉर्मेटिंग में अपने खुद के फॉर्मेट भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। डी फॉर होता है डे, 1 2 3 4 5। अगर मैं डबल डी डाल दिया तो हो जाएगा 0 1 2। यहाँ देखिए, यहाँ सैंपल दिख रहा होगा, ऊपर यहाँ पे सैंपल दिखेगा सर। अगर मैंने 3 बार डी कर दिया तो हो जाएगा ट्यूजडे, वेडनेसडे, संडे, इस तरह के शॉर्ट फॉर्म में। 4 बार या 4 से ज़्यादा बार डाल दिया तो कंप्लीट दिखेगा, संडे मंडे। उसके बाद कॉमा लगाइए या डैश लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने वापस हमने कर दिया MMM, मंथ में सेम है, 1 2 3 फॉर्मेट, 0 1 2 3 फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म। अगर 5 बार देते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ, फिर डैश अगेन DD एंड Y, यहाँ पे स्लैश Y। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, DD MM YY। इसको जिस सीक्वेंस में रखना है उस सीक्वेंस में रखना है, जितना बार रखना है उतना बार रख सकते हो और अपने लिए खुद का एक डेट का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी सर, समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी। कुछ डाउट इसमें? नो। चलिए
अब इसमें टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर 10:20 हमने डाला या कुछ भी टाइम डाला, तो टाइम को भी डेट की तरह HHMMSS, H for hour, M for minute, S for second, उसको भी अपने हिसाब से जिस सीक्वेंस में डालना चाहे उस सीक्वेंस में आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है, जैसे मुझे इसको 10 घंटे 20 मिनट को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम MM डाल देंगे और देखिए 620 मिनट आ गया। बट ये 620 मिनट जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ विजुअल है, इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं होगी। आपको कैलकुलेशन वगैरह के लिए चाहिए तो क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट के अंदर में यहाँ पे आप डाल दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में एम या एस, जो भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ये आपका नंबर्स में आ जाएगा। इसके ऊपर आसानी से आपको जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर, ये हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया तो टेक्स्ट के ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप, क्योंकि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो टेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कोई फॉर्मूला वगैरह लगा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो फिर इसमें एक आप सिंपल से करें, इसमें प्लस 0 कर दें या मल्टीप्लाई बाई 1 कर दें, आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट? अब बात करते हैं कि हमने आपको एक आर्टिकल भेजा था, उस आर्टिकल में यह सब देखा था उसमें सर। देखा था सर? यह सर उसमें कुछ चीजें समझ में आई थी, कुछ चीजें नहीं आई थी। उसमें एक चीज था सर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और एनए का कुछ बंदा था। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। हम भी उस आर्टिकल को गूगल पे सर्च करते हैं, वो है आपका कस्टम फॉर्मेट सेल इन एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल हो, मेरा आर्टिकल नहीं है। सबसे पहला आता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एंड टेक्स्ट, राइट सर। अब इसको समझिए क्या है, जैसे कि आपने अभी, जैसे मैंने मान लीजिए कि 500 ये डाल दिया, 512 डाल दिया, तो अगर आपने क्या किया, कस्टम पे गए और कस्टम पे अगर आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में से मैंने डाल दिया MRP, तो ये पॉजिटिव को ट्रिगर करेगा। अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू डाला तो भी नेगेटिव MRP दिखेगा, लेकिन वो पॉजिटिव को टारगेट करता है। अगर जीरो डाल दूँ तो पॉजिटिव को टारगेट करता है, या नेगेटिव भी दिख ही रहा है आपको, लेकिन वो पॉजिटिव को टारगेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव के लिए कुछ और दिखे, तो सेमी कॉलन में दूसरा पोजिशन जो होता है वो निगेटिव का होता है, सेमी कॉलन से सेपरेट होता है, समझ गए। तो दूसरा पोजिशन जो है वो है, जैसे जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे डिस्काउंट, DIC डिस्काउंट, और हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब देखिए, जैसे नेगेटिव होते ही MRP कन्वर्ट हो गया डिस्काउंट में। पहले अगर नंबर पॉजिटिव नंबर था तो क्या था, MRP लिखा हुआ था, जैसे हमने नेगेटिव नंबर डाला और डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि दूसरा पोजीशन जो है हमारा डिस्काउंट का है। तीसरा पोजीशन जो होता है जियो के लिए होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे फ्री। तो यहां जब जीरो पर डालेगा तो उसके जगह पे फ्री दिखेगा। और जो चौथा पोजीशन होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है, उसके जगह पे आप यहां पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दीजिए, जैसे डेटा नॉट फॉल। तो अब यहां पे कोई टेक्स्ट डालेगा तो DNF शो करेगा, समझे सर। तो पहली पोजीशन पॉजिटिव्स की होती है, दूसरी पोजीशन नेगेटिव्स की होती है, तीसरी होती है जीरो की, और चौथा होता है टेक्स्ट का। बट क्या है कि आपको अगर सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए तो पॉजिटिव डाल के छोड़ दीजिए, बाकी डालने की जरूरत नहीं होती है, बट जहाँ जरूरत है वहाँ आप डाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूँ, इसमें क्या है कि एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस का हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है।
आप लोग एक्सेस कार्ड यूज करते हैं। एक्सेस कार्ड से क्या होता है कि आपको डूर ओपन होता है, डूर क्लोज होता है, और आपके सिस्टम में अटेंडेंस भी उसी से लगता है। तो जो आपका एक्सेस कार्ड का जो डेटा होता है, वो डेटा कैसा होता है, मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक्सेस कार्ड का जो डेटा हमें आता है, वो देता है, और देता है कुछ इस तरह से कि आपने एक्सेस कार्ड को कितना बार यूज किया है। ठीक है, आपने एक्सेस कार्ड को कितना बार यूज किया है। जीरो इट मीन्स उस दिन आप नहीं आए, मतलब कि अब्सेंट होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि जितने भी नंबर्स हैं उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, और जितने भी ए है जीरोज है उसको अब्सेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जाते हैं नंबर कस्टम, और यहाँ जो हम देते हैं पी फॉर पॉजिटिव, और दूसरा पोजीशन तो नेगेटिव का होता है, बट नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो उसको कीप इट ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसकी जगह पे ए डाल देते हैं। यहाँ देखिए हमने पॉजिटिव की जगह पे पी डाल दिया, नेगेटिव की जगह पे ब्लैंक छोड़ दिया, और यहाँ पे हमने ए कर दिया। एंड ओके कीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर। इसमें क्या होता है, कंडीशंस कलर भी देने होते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो हमारा अब्सेंट है वो रेड भी हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे रेड लिख देते हैं किसमें, इन्वर्टेड कॉमा में उससे पहले। तो ओके करने के बाद वो देखिए रेड हो गया जहां जहां अब्सेंट था। ये बड़ा वाला ब्रैकेट डाले है ना सर आपने? जी हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये सेम चीज यहाँ आपको शो कर रहा है। ओके अब एट द रेट की बात करें तो एट द रेट का भी यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे नेम है मेरे पास, और नेम के आगे हम कंपनी नेम है मान लीजिए, और मुझे यहाँ पे एम स्लैश एस बार बार लगाना पड़ रहा है, देन कंपनी का नेम लिखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि मैं यहाँ कस्टम पे आऊँ और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में एम स्लैश एस, और यहाँ हम एट द रेट लगा देते हैं। तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया आईपीटी, एंटर डालते हैं एम स्लैश आईपीटी आ गया। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास एड्रेस है, और एड्रेस में मुझे डालने हैं, तो यहाँ कस्टम में आएंगे और मैं एट द रेट डालूँगा और यहाँ पे एड्रेस डालूँगा, जैसे कि न्यू दिल्ली 110062। अब यहाँ पे डालिए आईपीटी। ठीक है सर। यस सर। अपने आप एक 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 बेनिफिट और भी होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ 1500 लिखना है, जो चेक वगैरह के अमाउंट होती है ना, और ये जो ब्लैंक जगह छुटा हुआ है उस पर स्टार लग जाए, ताकि श्योर हो गया कोई नंबर यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको स्टार, सॉरी एट द रेट, और दो बार स्टार, एट द रेट एंड दो बार स्टार। जैसे बड़ा करोगे तो स्टार बढ़ जाएगा, और छोटा करेंगे तो स्टार घट जाएगा। इसमें दो बार मतलब कि दो बार देने का क्या फायदा है, दो बार स्टार लिखने का? एक स्टार मतलब देखिए स्टैक की बोलते हैं इसको, जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो स्टार मतलब फॉलोअर सर्च करते हैं, फाइल सर्च करते हैं, लिखते हैं ना स्टार डॉट जेपीजी। तो स्टार का मतलब क्या होता है कि उससे पहले कुछ भी। उसी तरह से पहला स्टार का मतलब है उससे पहले कोई भी टेक्स्ट, और दूसरा स्टार जो आप शो करना चाहते हैं। स्टार की जगह पर मान लीजिए आप डैश शो करना चाहते हैं, तो दूसरा स्टार की जगह पर डैश डाल दीजिए तो डैश शो होगा। समझे? अब उसी तरीके से मान लीजिए कि मुझे मेरे पास एक हम लोगों का कॉलन है पासवर्ड का, और हम चाहते हैं पासवर्ड ना दिखे, विजिबल ना हो, प्रिंटेबल ना हो, तो हम क्या करेंगे कि इस पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको स्टार शो करना है तो यहाँ पे आप दो बार स्टार करें, अगर कोई भी नंबर लिखूंगा वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा।
मुझे यहाँ पे स्टार नहीं एक्सेस करना था, तो एक स्टार और यहाँ पे आप एक्स डाल दें, ठीक है। एक मिनट, नहीं नहीं एक ही एक्स आया, माफ कीजिएगा, नहीं कोई करेक्टर नहीं आएगा, करेक्टर कोई नहीं आएगा, हाँ करेक्टर आएगा, सॉरी हमने क्या किया, हमने एक्स डाल दिया, ठीक है, स्टार और एक्स, स्टार और एक्स जो मतलब पहला स्टार मतलब कि इससे पहले कोई भी वर्ड, और लास्ट में जो होता है हमारा एक्स मतलब कि एक्स होना चाहिए, मतलब जो भी आप करेक्टर डालना चाहें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, ये नंबर पे दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ टैक्स डालूंगा मेरा टैक्स दिखेगा, तो मतलब कि वर्ड किस पे कर रहा है, सिर्फ नंबर वाले पासवर्ड, टेक्स्ट वाले पे नहीं कर रहा है। अब आपको रिसर्च करना है, यहाँ से आपका होमवर्क है, आपको रिसर्च करना है और इसका तोड़ निकालना है कि भाई आप ऐसा कुछ करो कि पासवर्ड नंबर पे भी और टेक्स्ट पे भी, एट दी रेट लगा देंगे सर, नहीं आप ऐसे बोले नहीं, ट्राई करें, मैंने आपको रिसर्च दिया है, इसका मतलब है कि आपको इसको ट्राई करके 100% कंफर्म होने के बाद बोले, ठीक है ना। एक हैबिट रखिए, जिस चीज पे आप 100% कंफर्म नहीं है उस चीज को रिकमेंड किसी को ना करें, ठीक है। मेरी भी हैबिट है, अगर मुझसे कोई पूछता है तो अगर मुझे टॉपिक में कंफ्यूजन है कि इस चीज हो सकता है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं पहले उसको ट्राई करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, देन रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो आप भी ट्राई करें, तो आपको ऐसा कुछ करना है कि नंबर टैक्स टैक्स नंबर किसी भी सिचुएशन में वर्क कर जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।